देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। 72 घंटे पहले 11 मार्च को रिलीज हुई 2 घंटे 50 मिनट की एक फिल्म जिसने तहलका मचा दिया, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है, जिसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है, प्रोड्यूसर जी स्टूडियोज, जिसमें अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती साहब अभिनय कर रहे लीड। उसे नोएडा के मेरे स्टूडियो से 737 किलोमीटर दूर कश्मीर में आज से 32 साल पहले घटित उस दर्द की तस्वीरों को एक बार फिर ताजा कर दिया है। द फिल्म हैज मेड द हॉरिफाइंग इंसिडेंट बीट प्रेजेंट, जहां 4 लाख से ज्यादा हिंदू, कश्मीरी पंडित नहीं हिंदू कहे, हिंदुओं को अपना घर, अपनी दुकान, अपनी पहचान, अपना बचपन, अपना सम्मान, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आप सोच सकते हैं, क्या आपको स्कूल की किताबों में यह पढ़ाया गया? जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर पढ़ाया गया, क्योंकि हमको तो पढ़ाया गया कि अकबर कितना महान था, अकबर द ग्रेट। हमको आपको तो पढ़ाया गया कि शाहजहां ना होता, शाहजहां अगर भारत में ना आता तो भारत में खूबसूरती के नाम पर तो कोई इमारत होती ही नहीं, भारत में खूबसूरती के नाम पर कुछ होता ही नहीं। हमको तो पढ़ाया गया कि शेर शाह सूरी ना होता तो हमारे देश में सड़कें भी ना होती, ग्रैंड ट्रंक रोड भी ना होती, कोई जीटी रोड ना होती। हमको और आपको तो पढ़ाया गया दर्शकों कि महमूद गजनवी ने भारत में जो लूटपाट की वो दरअसल अपने किंगडम को इनरिच करने के लिए। आपको और हमको मी एंड यू, आपको और हमको हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन के बारे में बताया गया। सोच रहे हैं, बाहर के बारे में, हिटलर के बारे में, मुसोलिनी के बारे में, लेनिन के बारे में बताया गया, नाजीवाद के बारे में बताया गया, कू क्लक्स क्लैन के बारे में बताया गया। कभी हमको किताबों में कश्मीर की, कभी भी सोचिए, क्या कभी हमको किताबों में कश्मीर की सबसे दुर्दांत घटना के बारे में बताया गया, जहां यह झंडा बुलंद करते हुए लाखों कश्मीरियों को उनके कश्मीर से भगा दिया, जो नहीं गए उन्हें मार दिया गया, किसी किताब में नहीं बताया गया। और आज जब मैं इस फिल्म का नाम ले रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक फिल्म, वो इसलिए है क्योंकि फिल्में भी एजेंडे का हिस्सा रही। इस यंग जनरेशन, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए, इस यंग जनरेशन को प्यार मोहब्बत के नाम पर, इन द नेम ऑफ लीजेंड्स लव स्टोरी वी वर टोल्ड अबाउट, हमको बताया गया शाहजहां, नूरजहां के बारे में, जोधा अकबर के बारे में, सलीम अनारकली के बारे में, शिरीन फरहत के बारे में, लैला मजनू के बारे में, यही सब पढ़ाया गया कि इनमें अच्छा साथी, प्यार मोहब्बत के मामले में कोई हुआ ही नहीं इतिहास में। और जो नहीं पढ़ाया गया वो ये था कि जितने भी मुगल बादशाह हुए उन सभी की 15 से 20 आधिकारिक बीवियां रही, ऑफिशियल वाइफ्स 15 से 20, और 250 से 300 औरतें उनके साथ रही। और आज की तारीख में ये एजेंडा कुछ कंफ्यूज पत्रकार भी चला रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आज भी कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं। पिछले साल ही देखा होगा खबरों में, लगातार एक के बाद एक 4 हत्याएं। लेकिन कुछ लोग आतंकियों के पिता मास्टर हैं या नहीं हैं, पोस्टमैन हैं या नहीं हैं, यही पता लगाने में लगे। लेकिन एक एक कश्मीरी हिंदू आज भी वो 3 शब्द नहीं भूला है, रालेव, गालेव, चालेव। इनका मतलब था कि हमारे साथ मिल जाओ या फिर मरो या भाग जाओ। और ये 4 लोग जिनकी तस्वीरें आपको बैक टू बैक दिखा रहे हैं, इनका आतंकी संगठन जो कि इस्लाम के नाम पर, कश्मीर को तोड़ने के नाम पर लोगों की हत्याएं कर रहे थे, महिलाओं की इज्जत लूट रहे थे, ये 4, पहला नाम हामिद शेख, अशफाक वानी, जावेद अहमद मीर, यासीन मलिक। एक अखबार की कटिंग भी आपको दिखाता हूं, ये उर्दू अखबार है, आफ्ताब नाम है। ये इस उर्दू अखबार में 1990 में छाप दिया गया था, इन द फ्रंट पेज, कश्मीरी पंडित यहां से चले जाएं, गो बैक, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पेपर कटिंग, इसके बाद एक रिपोर्ट चलाएंगे जो कि कोई साधारण रिपोर्ट नहीं होगी, बल्कि कहानी होगी, स्टोरी टेलिंग होगी। ये वो खौफनाक कहानी है जिसको कश्मीरी पंडितों ने उस दौर में, माय डियर व्यूअर्स, जिया है, और कुछ लोग तो जीते जी ही मर गए। रिपोर्ट चलाएं। उन्नीस सौ 89 की उस रोज सुबह का वक्त था,
श्रीनगर के चिंगार मोहल्ले के बाहर एक बच्ची रोते हुए खड़ी थी। मकान के बाहर एक कमरे में टीकालाल कुछ काम निपटा रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहीं एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी, कदम रुक से गए। फिर इसके बाद टीकालाल कमरे से बाहर निकले और घर में बने अहाते से होते हुए दरवाजे पर पहुंचे। पास खड़ी बच्ची को रोता हुआ देख टीकालाल ने पूछा कि यह क्यों रो रही है। बच्ची की माँ ने कहा कि स्कूल में जलसा होना है और इसे पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इतनी सी बात को सुन टीकालाल टपलू ने जेब में हाथ डाला और 500 रुपए निकाल कर बच्ची के हाथ में थमाते हुए उसका सिर सहला दिया। टीकालाल के चेहरे पर मुस्कान थी, जो कि अब बच्ची के चेहरे पर भी आ चुकी थी। टीकालाल बच्ची का सर सहला ही रहा था कि कुछ लोग टीकालाल के पास पहुंचे, और जब तक टीकालाल वो बच्ची और उस बच्ची की माँ को कुछ समझा पाता, उन लोगों ने बंदूक निकाली और टीकालाल पर गोलियां बरसा दी। ये बस उस वक्त तक सीमित नहीं था, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। यहाँ से एक कहानी की शुरुआत थी, जिस कहानी का शीर्षक आजकल हम कश्मीरी पंडितों के पलायन के नाम से पढ़ते हैं, जिसकी सिसकियां आज भी घाटी की सुंदरता के बीच मौन है। वो खौफनाक तस्वीरें आज भी घाटी में कहीं दब सी गई हैं, जहां ना जाने कितने ही परिवार बर्बाद, कितनी ही महिलाएं बेआबरू और कितनी ही बच्चियां यतीम हो गई। जिस कत्ल के साथ इस खौफनाक घटना की शुरुआत हुई, वो टीकालाल टपलू कश्मीरी हिंदुओं के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। टीकालाल की हत्या 14 सितंबर की रोज उस मौसम में हुई थी, जब कश्मीर में इस्लाम के नारे लगाए जाते थे। इन नारों में कुफ्र के मैदान का जिक्र होता था, निजामे मुफ्तबा की बात होती थी, सारी पटकथा पाकिस्तान लिख रहा था। टीकालाल टपलू जब तक जीवित थे, कश्मीरी पंडितों की हिमायत में लगे रहते थे। उनके कत्ल का आरोप जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा। ये संगठन वो था जिसने इस कत्ल की से सवा साल पहले 1988 के जुलाई में ही रूप रंग धारणा किया था। इस कत्ल का आरोप जिन पर था, वो सब उस वक्त मीडिया में ही थे, लेकिन कभी कोई गिरफ्तार किया, पहचान भी नहीं किया गया। आज में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की खौफनाक कहानी की शुरुआत टीकालाल टपलू की हत्या से शुरू होती है। टीकालाल टपलू की हत्या के चंद रोज बाद ही कश्मीर के सड़कों पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पोस्टर चिपका दिए गए। लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने आंदोलन की आड़ में कश्मीरी पंडितों से उनका सब कुछ छीनना शुरू कर दिया। पहले उनका सम्मान छीना, उनकी दुकानें छीनी, उनका घर छीना, और आखिर में उनके जीने के अधिकार भी छीन लिए गए। सबसे बचते भागते कश्मीरी पंडित सब कुछ छोड़कर चले गए। उनको सिर्फ पहने हुए और पकड़े हुए कपड़े ले जाने दिए गए। इस्लामियत के नाम पर कश्मीर की सड़कें लाल कर दी गई। बच्चों के रोने की, महिलाओं के बिलकने की आवाजें आज भी किसी कोने में दबी हुई हैं। साल 1989 में मस्जिदों से एक नारा लगाया गया, यहाँ चलेगा क्या, निजामे मुफ्तपा, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सभा के उस नारों के बीच कश्मीर का एक नया कल दिखाई दे रहा था। निशान हर वो शख्स बनाया जा रहा था जो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफत करता था। टीकालाल टपलू के बाद जस्टिस गंजू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। जस्टिस गंजू की पत्नी का अपहरण भी किया गया, लेकिन वो कहां गई ये आज तक किसी को नहीं पता चला। इस दौर में औरतों के बलात्कार की घटनाएं आम हो गई, घरों में घुसकर लूट होने लगी, हर तरफ नारा लगने लगा कि कश्मीर को पाकिस्तान चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडितों के बिना इस बीच घाटी में जो हिंसा हो रही थी, किसी का रिकॉर्ड नहीं था। 19 जनवरी 1990 के दिन पलायन की रोज, उस दिन जो कुछ हो रहा था, हजारों लोग की तारीखों में श्रीनगर से जम्मू की ओर बढ़ने लगे थे। पलायन की सबसे बड़ी तारीख 19 जनवरी बनी, जब हजारों कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। इन लोगों को जम्मू से लेकर दिल्ली तक के राहत शिविरों में बसाया गया, लेकिन हालत यह है कि आज भी हजारों कश्मीरी पंडित छोटे से कैंपों और कश्मीर में रहने को मजबूर हैं, जिनके पास कभी कश्मीर में शानदार हवेलियां करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पॉइंट इंडिया। तो आज हम आपको दो तरीके की भारत की तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं, दो तरीके कि किस तरीके से भारत में इतना जघन्य अपराध हुआ, इसको छिपाया गया, रोका गया, दबाया गया, कुचला गया, और इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें आपको दिखाई गई, परोसी गई, आपके सामने लाई का थाली एंड चपाती आपके सामने परोस कर रखी, आपको बताया गया कि ये देखिए ये अच्छा है। मतलब आप ये सोचिए कि अकबर रोड, हुमायूं रोड, ये सब, इवन मानसिंह रोड,
इस देश में है, लेकिन महाराणा प्रताप रूप नहीं, नहीं बता रहे, नहीं दिखा रहे, एजेंडा है, सब कुछ एजेंडे के तहत है। और आज जब ये मूवी लेकर एक शख्स आया है तो इस मूवी को रोकने के लिए भी एजेंडा चलाया जा रहा है। मैनी वर अगेंस्ट दिस मूवी, बहुत से लोग हैं जो इस मूवी के खिलाफ में खड़े, बहुत से लोग हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे, जो कह रहे क्या कर रहे हो भाई, ये क्या दिखा रहे हो आप, लोगों को क्यों आप अवगत करा रहे हैं, लोगों को क्यों आप हिस्ट्री में ले जा रहे हैं, लोगों को क्यों आप इस हॉरिफाइंग इंसिडेंट को दिखा रहे हो। लोग ये कह रहे हैं, सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत, कितने संसाधन, कितनी कोशिश, कितने रिसोर्सेस लगे होंगे इस सच को दबाने के। और आज जब एक फिल्म आकर, एक मूवी आकर, जब सब कुछ कच्चा चिट्ठा सामने रखकर आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, अब इसको रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है, तस्वीरें भी हैं, कुछ वीडियोस भी आए। सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखाएंगे गोवा से, जो वीडियो चीख चीख कर कह रहा है कि कितने लोग और कितनी साजिशें इस मूवी को रोकने के लिए भी लगी हुई। कैसे रोका जा रहा है इस मूवी को देखिएगा। ये आईनॉक्स मडगांव गोवा ये थिएटर है, तो इधर कश्मीरी फाइल्स ये जो फिल्म रिलीज हुई है उसके एक भी पोस्टर आपके थिएटर में आज के दिन तक क्यों नहीं है? सर जो ये पोस्टर्स या बैनर्स है जो भी आते हैं सर, ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से आते हैं। तो आपके पास फिल्म आई लेकिन पोस्टर नहीं है, बाकी सब मैं चेक करके आपको बता दूं। सुनो ऐसा बात मत करो, चेक हम लोग करेगा ना, समझ में आएगा बाद में। पूरा थिएटर धुल चुके हैं, सभी फिल्में यहाँ पे जो चल रही है हर एक का पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इस फिल्म का पोस्टर यहाँ पे लगा नहीं है, नीचे से ऊपर तक। दूसरा, ये पहली बात है। दूसरी बात, जब 30-40% जब ये थिएटर अभी खाली है तो आपका पूरा बुकिंग क्यों दिखा रहा है? नाम नंबर चाहिए होगा, नाम नंबर नेम, किसने बुक किया था और उसका फोन नंबर हमको चाहिए। कब दोगे? अभी चाहिए। अभी हमको डाटा निकाल के दे दो, हमको कल प्रेस में देने का है। हम चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। नहीं सर, क्या भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ कुछ सर? दो शो प्लान थे सर, हमने एक शो और बढ़ाया, क्यों बोला तुमने? ऐड किया सर, एक और शो ऐड किया, आज ही ऐड किया, लेकिन और मंडे से पांच शो किए सेम मूवी, लेकिन क्यों खाली है? खाली था उनका, हमको नंबर चाहिए अभी चाहिए सर। अभी सिस्टम थिएटर खाली था और आपके सिस्टम ने पूरा बुकिंग दिखा रहा है, ऑनलाइन है और इंडियन रेलवे। कितने सारे लोग आके यहाँ से टिकट ना होने के कारण चले गए, तो ये सच दिखाने में क्यों ऐसे हो? कहीं से कोई ऐसा नहीं है सर, टिकट सबसे ज्यादा कौन बुकिंग किया बताओ। हमको एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हमको एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हमको ये क्यों हुआ इसका कारण चाहिए। ठीक है सर, तो कश्मीर फाइल का पोस्टर भी दे दो। From you. This is Savita. She's actually, she's my wife. Oh. She is a victim. She came, मैंने जब दर्पण रेडियो पे इंटरव्यू करा था तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा, दोस्त हैं लेकिन पहली बार मालूम पड़ा कि वो इससे गुजरी है जो फिल्म में दिखाया गया है। आप बताइए। I'm sorry, it's your name. I know, but just want to say that this is not fiction. This is the fact story जो आपने देखा है, just the one person. He seems bad, but so far, no justice, no justice. I haven't seen my home after I left. I've not been there, लेकिन एक बार मन करता है कि जाए, लेकिन आज भी हाथ में दे विद everything. आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद में कुछ हेल्प मिलेगी, आपके जो दर्द था उसका
जब तक तुम जान नहीं ले सबसे ज्यादा उनको जस्टिस मिले जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ. We have all been a part and parcel of it, but some of them have been to the extent जो आपने देखा इसमें जितने भी इंसिडेंट्स थे कुछ भी फिक्शन नहीं है. This is the fact. The soaking, the drop barometer. It's all true. It's all true. But no far. आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कभी कश्मीरी पंडित को लेकर किसी कुछ कहा हो कभी कुछ हुआ हो. मैंने नहीं पता इंडियन पार्लियामेंट में कभी कहीं कुछ हुआ है. Never heard. कश्मीरी पंडितों के साथ हुई जघन्य हिंसा, जघन्य हिंसा, ये सबको एक ऑडियो विजुअल फॉर्म में, एक मूवी के फॉर्म में आप सबके सामने लाया गया. और अब मांग तेज उठने लगी है कि इनके साथ न्याय कब होगा, कब ये 3 से 4 लाख लोग जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, जो आज भी पता नहीं कहां, कब ये अपना मकान दोबारा देख पाएंगे, कब ये दुकान अपनी दोबारा देख पाएंगे, कब ये वो सम्मान जो इनका उस वक्त छीन लिया गया था जब इनके साथ जघन्य अपराध किया गया था, वो तारीखें, वो दौर, वो इतिहास क्या कोई लौटा पाए. लेकिन मुसीबत की बात और सोचने की बात यह है कि जो लोग ये सब कुछ कर रहे थे वो आज भी खुली हवा में सांस लेते हैं. आज कोई कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ, कोई पनिशमेंट कुछ भी नहीं उनके साथ हुआ, कुछ भी नहीं. सभी खुली हवा में सांस लेते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट. लेकिन ये लोग जिनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, जिन्हें अपने ही घरों से, अपने ही मकानों से, अपने ही गांव से, अपने ही मोहल्लों से भगा दिया गया, अखबार में कटिंग निकाल कर बताया, मस्जिदों से ऐलान किए गए कि आप छोड़ दीजिए, यू मस्ट गो. और जो नहीं गया उसका कत्ल हुआ, उसका उसको मारा गया. जो नहीं गया उसको मारा गया. ये आजाद भारत की एक कहानी है और इसमें सभी इन्वॉल्व है, एवरीवन, सब इन्वॉल्व है. स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग 1947 के बाद से अपनी महत्वाकांक्षाओं को बचाने के लिए राजा हरि सिंह भी, इधर अब्दुल्ला, इधर नेहरू जी, सब आपस में इसको इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज किया कि ये कहीं ना कहीं इतना पेचीदा हो गया कि क्या से क्या हो गया. 1989 में JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको जन्म दिया है, और इसने जन्म लेते ही मारना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड किलिंग इनोसेंट हिंदूज, मारना शुरू किया, भगाना शुरू किया. ये नहीं रह सकते, पाकिस्तान में मिलेंगे लेकिन ये नहीं रह सकते. और उनको भगाया गया, उनको तोड़ा गया, उनको रुलाया गया. कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी महिलाओं का सुहाग उनसे छीन लिया गया, कितनी महिलाओं को बेआबरू किया गया, कितने बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया हट गया, कितनी औरतों का सुहाग, कितनी औरतों का सिंदूर वहां छीन लिया गया. और ये सब कुछ डेलाइट में हो रहा था, ये सब कुछ मीडिया के प्रेजेंस में हो रहा था, ये सब कुछ दिल्ली में बैठी सरकारें देख रही, सब कुछ बस एक ड्रामा हो रहा कि अब राज्यपाल का शासन है, अब राष्ट्रपति का शासन है. ये सब ड्रामा हो रहा था इन ब्रॉड डेलाइट, सब कुछ डेलाइट में हो रहा था. मीडिया देख रहा था उस वक्त का, उस दौर का मीडिया सब कुछ देख रहा था. सारे नाम थे A to Z, फ्रॉम वेरी फर्स्ट पर्सन टू द लास्ट पर्सन, सारे नाम. लेकिन एक भी नाम कभी सजा का हकदार नहीं, बल्कि इवन वो लोग तो पॉलिटिकल इतने ज्यादा स्ट्रांग. और कश्मीरी पंडित आज भी आप दिल्ली के तमाम जगहों पर जा सकते हैं, जहां आज भी ये कैंप में, जहां आज भी ये छोटे छोटे मकानों में, जो वहां पर जिनके पास
लंबी लंबी जमीनें थी, आज वो छोटे छोटे मकानों में रहने के मजबूर हैं। गुनाह पंडित होना, गुनाह कश्मीर में पंडित होना। और आज भी वो लोग पलायन का दुख, पलायन का दर्द लिए अपनी आंखों में जीवित है, जी रहे हैं, लेकिन वो मर मर कर आज भी जी रहे हैं। और आज जब ये फिल्म आई है तो सभी की आंखों में आंसू हैं, सभी की आंखें लाल हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जघन्य हिंसा और फिर उनका दुखद पलायन देश के लिए पहाड़ जैसी शर्मिंदगी का कारण था, है और रहेगा। हम आज तक, मार्क माय वर्ड्स, हम आज तक उन्हें न्याय नहीं दे पाए, उन्हें उनकी मातृभूमि में फिर से सम्मान के साथ बसा नहीं पाए हैं। इससे ज्यादा कष्टपूर्ण और क्या कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ।